दिन भर में बिजली महंगी कर दी गई। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.12 रुपये तक इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन बावर डिवीजन जारी करेगा। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट टैरिफ बगैर टैक्सेस के 48.84 रुपये तक पहुँच गया। महाना 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 7.12 रुपये इजाफे से 34.26 रुपये हो गया। महाना 301 से 400 यूनिट का टैरिफ 7.02 रुपये इजाफे से 39.15 रुपये बढ़ा दिया गया। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल खत्म होने के बाद मार्केट में आटे की सप्लाई मामूल पर आ गई। 10 किलो आटे का थैला 900 रुपये, 20 किलो का थैला 1800 रुपये में दस्तयाब। खुला सुर्ख आटा 100, फाइन खुला आटा 110 और चक्की आटा 150 रुपये किलो में फरोख्त होने लगा। हुकूमती यकीन दहानी पर फ्लावर मिल्स ने हड़ताल 10 रोज के लिए मौखर की है। वज़ीर आला पंजाब का फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल ख़त्म करने के ऐलान का खैर मकदम। मरियम नवाज़ कहती हैं, आटा और रोटी महंगी होने का नुकसान सिर्फ गरीब आवाम को होगा। जायज़ तहफ़ुज़ात और मसाइल के हल के लिए भरपूर किरदार अदा करूंगी। जायज़ मसाइल के हल के लिए हड़ताल करने की ज़रूरत नहीं है। वज़ीरे खुराक पंजाब बिलाल यासिन का मार्केट में आटा सप्लाई में तेज़ी का हुक्म। किसी सूरत आटे और रोटी की कीमतों पर कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए, अवाम इत्मीनान रखें। वज़ीरे आला पंजाब आटे की कीमतों और सप्लाई को खुद मॉनिटर कर रही हैं। कहते हैं महकमा खुराक के अफसरान आटे की आम मार्केट में फराहमी को यकीनी बनाएँ। सेक्रेटरी फूड मौसम इकबाल की सरबराही में डिविजनल अफसरान की मीटिंग। मार्केट में आटा सप्लाई और कीमतों की निगरानी पर रिपोर्ट तलब। मौसम इकबाल कहते हैं कि हड़ताल के बावजूद आटा कीमतों और सप्लाई पर अफसरान की कारकर्दगी काबिले तहसीन है। आटे की कीमत में मस्नूई इजाफे करने वाले डीलर्स और रिटेलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए जाएँ। आटे के मायार और वजन पर किसी सूरत समझौता न किया जाए। नायब अमीर जमात इस्लामी का अदालती फैसलों पर अमल दरामद के लिए सियासी क़यादत को डायलॉग के दरवाजे खोलने का मशवरा। लियाकत बलोच बोले, सियासी बहरान गंभीर हो रहा है। जमहूरी क़वतों का टकराव आईने जमहूरियत के लिए ख़तरे की घंटी बजा रहा है। बहरानों के खात्मे के लिए अवामी मैंडेट तस्लीम करना होगा। फॉर्म 45 की बुनियाद पर हकीकी अवामी मैंडेट का हल तलाश किया जाए। महंगाई ट्रेन का सफ़र जारी। सब्जियों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा। अदरक 800, लहसुन 500, लीमू 400, टमाटर 180, आलू 100 रुपये किलो के फरोख्त हो रहे। फूल गोभी और बंद गोभी भी 120 रुपये किलो में बिकने लगी। मुर्गी की कीमतों को भी पर लग गए। ब्रायलर गोश्त 22 रुपये किलो महंगा होकर 541 रुपये तक पहुँच गया। दर्जन अंडों की कीमत भी 253 रुपये पर जा पहुँची। मेरा पंजाब स्मोक फ्री। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ की हिदायत पर माहौलियात की बेहतरी के लिए पायदार इकदाम। चीफ मिनिस्टर क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया। मरियम नवाज़ बोली कि स्मोक के मुस्तकिल सदबाब के लिए मिलजुल कर इकदाम करना होंगे। प्रोग्राम के तहत इंटर्न्स को महाना 25,000 स्कॉलरशिप दिया जाएगा। प्रोग्राम में 20 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकती है। आवाम स्मोक के मसले के हल के लिए हुकूमत का साथ दें।